आपके पास कभी दूध फट गया हो तो आप इस सब्जी को बना सकते हो आराम से, पर आज हम इसको दूध फाड़ के बनाएंगे। दूध में अब बॉईल आ गया है, हम इसमें डालेंगे आधी टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून क्यूमिन सीड्स या ज़ीरा, आधी टीस्पून फ्रेश कुटी काली मिर्चें, एक टीस्पून चिली फ्लेक्स और करीब एक टेबलस्पून धनिया। तो धनिया को अच्छे से बारीक बारीक काट के डालें। इन सभी को बहुत अच्छे से हम दूध में मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ मेरे पास है विनेगर, या फिर इसको सिरका कहते हैं, तो करीब 2 टेबलस्पून सिरका है मेरे पास, और हम इसको धीरे धीरे करके दूध में डालेंगे और एकदम धीमे हाथों से मिलाते जाएंगे। तो बस इस टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसका हमें छेना तैयार करना है। तो बेसिकली हम मसाला पनीर तैयार कर रहे हैं अभी, तो अगर आप विनेगर का इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसमें आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए छेना अलग हो गया है, और आप देखो ये पानी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। तो आपको विनेगर या नींबू का इस्तेमाल तब तक करना होगा जब तक कि आप इस तरह का छेना और पानी अलग अलग ना देख लें। तो अब हम इसको छान लेंगे। इसको छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी छन्नी ली है और नीचे एक भगोना लगा दिया है, और छन्नी के ऊपर मैंने एक कॉटन का कपड़ा रख दिया है जिसमें हम छेना छानेंगे। तो यहाँ पर हम इस दूध को पूरा छान देंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम 1 से 2 ग्लास ठंडा पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो विनेगर की खुशबू इसमें आ गई होगी वो निकल जाएगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए। और बस हम इसको हाथ से इस तरह से उठा लेंगे और हाथ से इसको इस तरह से घुमाएंगे जिससे जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से दबा के इसमें से ज़्यादातर पानी निकाल दिया है, और अगर थोड़ा बहुत पानी छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए क्या बढ़िया हमारा मसाला पनीर बनके तैयार हुआ है, और बस हम इसको इस पर फैला देंगे परात पे जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो सके। तो बस हम इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। पनीर अब ठंडा हो गया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक ग्रेवी में भी रहेगा, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आज जो पनीर की रेसिपी बनने वाली है बिल्कुल डिफरेंट है, और शायद आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, पर मैं गारंटी देती हूँ अगर आप एक बार बनाओगे ना तो बार बार बनाओगे इसको। तो ये देखिए हम हथेली से इसको अच्छे से दबा के इस तरह से एक सार कर लेंगे जिससे कि इसमें एक बाइटिंग सी आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है और इसको एक डो के बॉल जैसा बना लिया है। तो अब हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों में इसको इस तरह से अच्छे से एक बार फिर से स्मूथ कर लेंगे और इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए सारी पनीर की टिक्कियाँ तैयार है, और आइए चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े साइज़ का पैन लेना है, और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन, और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन थोड़ा सा ही भुना है, बस इतना ही भूनना है हमें। हम इसमें डाल देंगे 3 प्याज जिसको कि बारीक बारीक काटा है मैंने, और हमें प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेना है। ये देखिए मैंने प्याज को थोड़ा सा ही भुना है, और इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 शिमला मिर्च जिसको कि बारीक काटना है, और शिमला मिर्च और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। तो हम सभी चीज़ों को पैन पे अच्छे से फैला देंगे जिससे कि एक साथ भुन सकें। ये देखिए शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा ही भुना है, मतलब हमें यहाँ पर ना कुछ भी एकदम ब्राउन नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इस रेसिपी में सब्जियाँ जो हैं हल्की ही पकती हैं। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इनको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं वो डाले हैं, और टमाटरों के ऊपर हम डाल देंगे नमक जिससे कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से कुक हो सके। इनको हम मिक्स कर देंगे, पैन को हम कवर कर देंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटरों को भूनते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, हम इसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर ने अच्छे से पानी छोड़ दिया और थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी, और हमने काफ़ी सारे टमाटरों का यूज़ किया है तो थोड़ी सी सारनेस को कट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1/2 चम्मच शक्कर। तो ये ऑप्शनल है शक्कर डालना, अगर आप डालना नहीं चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। और ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है थोड़ी सी मुशी हो गई है, पर आप इसमें जो चंक्स देख रहे हैं ना बिल्कुल इसी तरह की जो है हमें ग्रेवी चाहिए, एकदम मेल्ट वाली ग्रेवी नहीं चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही सा पानी डालना है इसमें। इसको मिक्स कर देंगे और अब हम ग्रेवी में एक बॉईल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बॉईल हो रही है। अब ये जो हमने पनीर की टिक्कियाँ बनाई थी हम इसको इस तरह से इन पर लगा देंगे,
तो पैन थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था, जिससे कि आप सारी टिक्कियाँ आसानी से लगा सकें। और आप देख सकते हो कि मैंने ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, बस इतनी ही रखी है कि ये टिक्कियाँ आधी ही ग्रेवी में डूबी हैं। तो अब हम इसको हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, पैन को हम कवर कर देंगे, गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसको 5 मिनट तक धीमी आँच पे पकने देंगे। इससे क्या होगा, इसमें स्टीम से पनीर जो है अच्छे से पक जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, सब्ज़ी को मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था और ये देखिए बिल्कुल तैयार है ये, और क्या मज़ेदार दिख रही है। तो वैसे तो आप इस सब्ज़ी को ऐसे भी खा सकते हो, बहुत बहुत टेस्टी लगती है, पर इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है चीज़ क्यूब। चीज़ क्यूब नहीं है तो मोज़रेला चीज़ ले लें और इसको इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर ग्रेट कर दें। तो ये रेसिपी बेसिकली एग शक्शुका से इंस्पायर्ड है, तो मैंने इसका वेज वर्जन बनाया है जो कि बहुत बहुत टेस्टी